अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक डिफेंस जोन में आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की तरफ से है कि दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने अपना नसर बैलिस्टिक मिसाइल का एक टेस्ट लिया है। इस टेस्ट के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने इस बैलिस्टिक मिसाइल के परफॉर्मेंस को पहले से ज्यादा बेहतर किया है। इस टेस्ट के मेहमान खसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब थे। उन्होंने इस टेस्ट के कामयाब तजर्बे पर जितने भी इंजीनियर और साइंटिस्ट थे उन सब को मुबारकबाद दी। दरअसल पाकिस्तान ने नस्र बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए बनाया है ताकि इंडिया के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को तबाह कर सके। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को भी अपने साथ कैरी कर सकता है, यानी के वो न्यूक्लियर वेपन जो कम एरिया पर तबाही मचाते हैं। इसका डैमेज करने का रेडियस तकरीबन 500 मीटर तक का है और पाकिस्तान आर्मी इसके नए वेरिएंट को भी बना रही है। पहले नसर सिंपल एक मिसाइल बनाया गया था जिसकी रेंज 60 किलोमीटर तक थी, अब दोबारा बनाया गया है और इसको अपडेट किया गया है। अब इसकी रेंज 70 किलोमीटर कर दी गई है। पाकिस्तान आर्मी इसको दिन ब दिन अपडेट करती जा रही है ताकि सब मिसाइल से ये अच्छा मिसाइल बन सके। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल जुबैर महमूद हयात साहब ने इस तकरीब का आगाज किया और फौजियों के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर की तरबीती और ऑपरेशनल तैयारी की मईशत की तारीफ की। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन लाजमी दबाएं। खुदा हाफिज़।